केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणी के काफिले पर दीनहाटा में हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के तरफ से राज्य भर में विभिन्न थानों का घेराव किया गया। इसी कड़ी में बीजेपी के रानीगंज मंडल एक के तरफ से रानीगंज थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हमले की घटना में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणी के काफिले पर दीनहाटा में हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के तरफ से राज्य भर में विभिन्न थानों का घेराव किया गया। रविवार को बीजेपी के रानीगंज मंडल एक के तरफ से रानीगंज थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता थाने के गेट के सामने जमीन पर बैठ गए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए और हमले की घटना में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस मंत्री जवाब दाओ, जवाब दाओ। केंद्र प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस जवाब दाओ, जवाब चाहे जवाब दाओ। हाय 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 पुलिस मंत्री हाय 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 ममता बनर्जी हाय 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 ममता बनर्जी तुम्हार ठीक 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 पुलिस मंत्री तुम्हारी जनाई थे ठीक 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 केंद्र मंत्री नितिन परमाणी के रोबोट हमला खड़ा होला बात करते ममता बनर्जी जवाब दाओ, जवाब चाहे जवाब दाओ। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष देवजीत खान ने केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दीनहाटा में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमला हुआ, उससे पता चलता है कि राज्य में चारों तरफ अराजकता का माहौल है और तृणमूल कांग्रेस राज्य भर में अशांति का माहौल बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता सभापति सिंह व रवि केसरी समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदर्शन के पश्चात बीजेपी नेताओं ने रानीगंज थाना के आईसी सुदीप दास गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। गतकाल केंद्रीय प्रतिमंत्री निशीथ प्रमाणिक के ऊपर जे भाव अतर्कित तृणमूल गुंडा बाहिनी द्वारा हमला करा है तार प्रतिबादे आज राज्य जुड़े जे विक्षोभ प्रदर्शन होच्छे प्रतिटी थानार सामने तार से ही कारण आज रानीगंज मंडल वन बीजेपी पक्ष थेके रानीगंज थानार सामने विक्षोभ प्रदर्शन और डेपुटेशन कर्मसूची करा है। रानीगंज से विप्लव बादकर के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনাদের শহর রানীগঞ্জে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে উচ্চ শ্রেণীর সুবিধা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, যেখানে অভিজ্ঞ ডক্টর ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও স্টাফেদের টিম রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিবদ্ধ। রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, প্যাথোলজি, সিটি স্ক্যান, এক্স রে, ইউএসজি, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রো সার্জারি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল, অনকোলজি, পুলমোনোলজি সহ 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন সুবিধা। এবং রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও চিকিৎসা পরিষেবা। রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, NH2 পাঞ্জাবি মোড়, রানীগঞ্জ। টোল ফ্রি নম্বর 1800 121 3557, মোবাইল নম্বর 7479002900, 7479002901, 7479002902।